पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निशुल्क अन्न वितरण का कार्यक्रम पूरे देश में किया जा रहा है। इसी के तहत मुरादाबाद के लाइन पार स्थित एक बैंकट हॉल में प्रशासन द्वारा निशुल्क अन्न वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, नगर विधायक रितेश गुप्ता रहे। अतिथियों द्वारा राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन निःशुल्क दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित और माँ सरस्वती की वंदना से किया गया। समारोह में राजकुमार ऑर्केस्ट्रा पार्टी द्वारा भजनों के माध्यम से 4 चांद लगा दिए गए। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में प्रदेश की जनता को हर योजना का लाभ सीधे मिल रहा है। आज यूपी में विकास की लहर दौड़ रही है। जनता भाजपा सरकार के कार्यकाल में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। आगामी 2022 में जनता फिर से यूपी में योगी आदित्यनाथ को ही दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वहीं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। आज हर सरकारी योजना आम जन तक पहुँच रही है। कार्यक्रम के संयोजक भाजपा युवा मोर्चा के विशाल त्यागी रहे। इस अवसर पर कविता गुप्ता उर्फ नीरज गुप्ता, सुषमा सरन, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रीति कश्यप, पार्षद राजेश गुप्ता, अभिषेक चौबे, अंजलि चौहान, पंकज शर्मा, दिनेश सिसोदिया, पार्षद चंद्रशेखर सैनी, मंडल अध्यक्ष लाइन पार संजीव चौहान सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राशन वितरण में सहयोग खाद्य विभाग के ARO नीरज कुमार प्रजापति, सविता गुप्ता, कपिल कुमार आदि का रहा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क अन्न वितरण का यहाँ पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम पूरे ज़िले में लगभग 1250 से ऊपर की संख्या में कार्यक्रम पूरे ज़िले में आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुरादाबाद में लगभग 5,55,000 परिवार यानी कि लगभग 22 लाख लोगों को सीधा लाभ इस योजना का मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में रहने वाले, प्रदेश में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति के साथ हैं, चाहे वो मकान देने की बात हो, चाहे शौचालय देने की बात हो, चाहे गैस का सिलेंडर देने की बात हो, चाहे बिजली का कनेक्शन देने की बात हो, चाहे किसानों के लिए सम्मान निधि देने की बात हो, सब काम बहुत अच्छा और पारदर्शिता के साथ यहाँ पे सब किया जा रहा है। आज मैं इस भव्य आयोजन के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस योजना के तहत प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न दिया जाता है, जिसमें गेहूं और चावल दिया जाता है। और ये योजना मई 2020 से शुरू हुई थी, तब से निरंतर चल रही है और अभी ये दीपावली तक ये आगे चलती रहेगी योजना। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके पीछे मंशा ये है कि हर वो व्यक्ति जो पात्रता की श्रेणी में आता है वो अपने अधिकार को समझे और ये जाने कि ये योजना उसके लाभ के लिए चलाई जा रही है। किसी तरह के कोई बिचौलिए लाभ न ले पाए, सीधे लाभार्थी तक पूरी योजना का लाभ पहुंचे, जिसके तहत आज जिले की जो 1266 हमारी PDS की साफ है, उस 1266 PDS की साफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि माननीय नगर विधायक जी यहाँ पर उपस्थित है, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग स्थानों पर स्थानीय स्तर के जो भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित किया गया है, जिससे उनकी देखरेख में इस पूरे कार्यक्रम का संचालन हो और आम जनमानस को उसकी इस योजना का सही ढंग से लाभ मिल सके, इसके पीछे कार्यक्रम है। और आगे भी ये जो जिन लोगों को आज खाद्यान्न दिया गया उसके साथ उनको बैग्स भी दिया जा रहा है, जिससे 25 किलो खाद्यान्न आ सकता है और वाटरप्रूफ है। और जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लिफलेट भी दिया जा रहा है, जिससे सारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।